नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक केळकर आज बात करने वाला हूं सिर दर्द का मानसिक कनेक्शन। टेंशन हेडेक या माइग्रेन्स काफी लोगों को होते हैं। माइग्रेन को अर्धशिशि भी बोलते हैं, हाफ हेडेक माइग्रेन में होता है, बीच बीच में होता है, अटैक में आता है, थ्रॉबिंग टाइप हेडेक होता है माइग्रेन का। और कुछ लोगों को टेंशन हेडेक होता है जिसको हेडेक बोलते हैं, और वो हेडेक सब तरह की जांच करने के बावजूद भी कुछ मिलता नहीं है। ब्रेन का कोई कनेक्शन उसका दिखता नहीं है, ब्रेन की कोई बीमारी दिखती नहीं है, और तभी भी हेडेक है। ये जो हेडेक है, जो मानसिक, जिसका मानसिक कनेक्शन है, मतलब जो स्ट्रेस से आया हुआ है, तनाव से आया हुआ है, वो सुबह अच्छा रहता है। जैसा जैसा दिन निकलते जाता है, बढ़ते जाता है दिन आगे आगे आगे, वैसा वैसा वो सिरदर्द बढ़ते 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 रात तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हेडेक में, ये सरदर्द में माथा, ये पूरे बाजू, दोनों बाजू, लेफ्ट एंड राइट, और पीछे का सिर का हिस्सा, ऐसा दर्द होता है। और ऐसा टाइट बैंड जैसा लगता है कि जैसा बैंड बांधा हुआ ऐसा लगता है। कुछ लोगों को गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। अब ये दर्द जो है, ये दर्द हो सकता है कि स्ट्रेस बहुत है, तनाव है, चिंता है, फाइनेंशियल चिंता है, मतलब आर्थिक चिंता है, रिश्ते में दूरी आई है, अनबन हुई है, बॉस के साथ में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, या घर में पट नहीं रही है, दोस्तों के साथ में कुछ, मतलब कुछ तो भी कारण रहता है कि जो कारण है करके वो हेडेक हो रहा है। इसमें होता क्या है कि इसके साथ साथ हो सकता है कि सीने में दर्द, चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में धड़कन, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ सकती है, नींद नहीं आती, पेट विकार भी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो सकता है, और सेक्स में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे जो है, ये लक्षण ये हेडेक के साथ में रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सरदर्द बहुत ज़्यादा है, इंटेंस है, और उल्टियाँ हो रही है, तो फिर देखना पड़ेगा, और रोज़ हो रहा है, रोज़ डेली उल्टियों के साथ में, तो फिर उसका स्कैन करना जरूरी है, सीटी स्कैन करना या एमआरआई करना जरूरी है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसका ईईजी निकालते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ताकि कोई एपिलेप्टिक एक्टिविटी क्या वो दिखाई देती है। ये मशीन है हमारे पास में ईईजी की, फिर सीटी स्कैन भी है, एमआरआई भी है, तो निकालते हैं और देखते हैं कि भाई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है क्या। और ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तभी भी सरदर्द हो रहा है, तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, है जो है वो तनाव से आ रहा है, स्ट्रेस से आ रहा है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी सरदर्द लोगों को होता है, और सरदर्द आने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दोनों ऐसे रिलेटेड है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, उसको रोज़ सरदर्द, रोज़ सिरदर्द हो रहा है पिछले एक महीने से। सुबह थोड़ा सा अच्छा लगता था, 8, 8:30, 9 बजे तो सरदर्द चालू, और बढ़ते 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 शाम तक बहुत बढ़ता था। रोज़ वो पैरासीटामोल खा रहा है, एक महीने तक चल रहा है उसका। मेरे पास में आया, सरदर्द हो रहा है, आपका वीडियो देखा था इसलिए आया मेरे पास में। उसका ब्लड प्रेशर देखा तो एकदम बढ़ा हुआ था। तो मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उसका प्रेजेंटेशन सरदर्द के साथ में हुआ। कुछ लोगों को सिरदर्द कोविड के पहले हो रहा था, जैसा कोविड जब था तो बहुत लोगों को कोविड सिरदर्द से चालू हुआ। पहले सिरदर्द आ रहा 3-4 दिन और बाद में कोविड के लक्षण दिखाई दिए, ऐसा भी होता है। अभी तो कोविड नहीं है, तो अभी इसको अच्छा कैसे करना, ठीक कैसे करना है? एक तो है कि हीटिंग पैड और आइस पैक लगा सकते हैं आप सिर के ऊपर, उससे रिलैक्सेशन हो सकता है। फिर आप शावर बाथ ले सकते हैं, गर्म पानी का या ठंडे पानी का, कोई भी। गर्दन की पोजीशन बदल सकते हैं, कंप्यूटर में ब्रेक ले सकते हैं, फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजली मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ लोगों को, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। जस्ट रिलैक्स करना, मेडिटेशन करना, उससे फ़ायदा होता है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है तो उनको एंटी डिप्रेशन देता हूँ मैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हेडेक है, डॉक्टर घूम रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ दवाई खा रहा है पैरासीटामोल की, और फिर सिर्फ मेरे पास में आने के बाद में उसको मैंने एंटी डिप्रेशन दे दिया, एक ही गोली दे दिया, हेडेक खत्म, मतलब एक गोली रोज, हेडेक ही खत्म हो गया। तो उसको डिप्रेशन था और डिप्रेशन की वजह से उसको हेडेक हो रहा था। तो ऐसा भी होता है कि एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से हेडेक होता है। और बाकी जो साइकोलॉजिकल कारण है वो तो आपको पता ही है कि जो स्ट्रेस देने वाले साइकोलॉजिकल कारण है उससे भी हेडेक होता है। मगर हेडेक यदि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, उल्टियाँ हैं, आँखों में रोशनी ठीक नहीं है, दिखाई देता नहीं बराबर, धुंधला सा दिखाई देता है, चक्कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अदरवाइज एंटी डिप्रेशंस, एंग्जियोलाइटिक्स, हिप्नोथेरेपी,
रिलैक्सेशन टेक्निक ये करते हैं तो ये हेडेक ठीक हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।